आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के वन परिक्षेत्र डभौरा के अंतर्गत आने वाले जंगलों में पेड़ों की कटाई और अवैध उत्खनन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां एक ओर जंगलों में पेड़ों की कटाई और उत्खनन बढ़ गया है, वहीं जिम्मेदार जंगलों में हो रहे पेड़ों की कटाई और उत्खनन को रोकने में नाकामयाब सिद्ध हो रहे हैं। वहीं इन अवैध कार्यों के पीछे वन विभाग के जिम्मेदारों की भूमिका वन माफियाओं के साथ सम्मिलित नजर आ रही है, जिसकी वजह से अवैध उत्खनन और पेड़ों की कटाई वन माफिया आसानी से कर रहे हैं और वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। इसी तरह का मामला बीट दर्रहा में सामने आया है, जहां इलाके में पदस्थ जिम्मेदारों की सह पर जंगल में अवैध उत्खनन कर पत्थर निकालने का काम किया जा रहा है, जिस पर वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही न करना इस बात को दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये सब खेला जो चल रहा है वो वन विभाग के जिम्मेदारों के संरक्षण में चल रहा है। वहीं जिले में बैठे वन विभाग के अधिकारियों को भनक तक नहीं लग रही है। आखिर वन परिक्षेत्र डभौरा के जंगलों में पेड़ों की कटाई और अवैध उत्खनन कितनी जोरों से चल रहा है। अब देखना यह है कि वन विभाग के जिले में बैठे अधिकारी ऐसे लापरवाह और भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर क्या कार्रवाई करते हैं और यह अवैध उत्खनन और पेड़ों की कटाई रोक पाते हैं या नहीं।